हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। से हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आपकी ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 3। ओके, फीलिंग अराउंड विद आई सेट। वी गेट टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। अवर नोज गिव्स अस सेंस दैट द रोज हैज स्वीट स्मेल। अवर स्किन टेल्स अस टचेस केयरफुली एज इट इज सराउंडेड बाय द प्रिकली थ्रोन्स। एंड टंग टेल अस that the rose petals can be eaten too, and our ears tell us the bees are buzzing for the rose's nectar, we better stay away। हम अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हमारे आसपास की दुनिया को देखते हैं और समझते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन और हमारी टंग। तो हमारी नोज हमारी कैसे हेल्प करती है? जैसे कि हम एक रोज की बात करें तो उसकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट होती है। हमारी नोज हमको बताती है, और हमारी स्किन हमको क्या बताती है कि गुलाब के साथ साथ कांटे भी होते हैं। ठीक है, वो हमारी स्किन में चुभ सकते हैं। तो ये कौन बताता है हमको? हमारी स्किन बताती है। और हमारी टंग क्या बताती है? हमारी टंग हमको बताती है कि रोज़ के पेटल्स को हम खा सकते हैं, मतलब रोज़ की पत्तियों को हम खाते हैं, वो उनका स्वाद अच्छा होता है। तो हमको ये कौन बताता है? हमारी टंग बताती है। और हमारी ईयर हमको क्या बताते हैं कि रोज़ के पास में क्या कौन आता है? मधुमक्खियाँ आती, तो उनकी आवाज़ हमको हमारे कानों में सुनाई देती है। ठीक है, तो हम केयरफुल होके रोज के पास में जाते हैं। तो इस टाइप से हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ टच। द सेंस ऑफ टच और फील टू समथिंग इज प्रोवाइड बाय अवर स्किन। व्हाइल द 4 सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द सेंस ऑफ टच इज लोकेटेड ऑल ओवर द बॉडी। द बॉटम ऑफ द लेयर स्किन provides us with the sense of touch. The bottom layer of the skin is filled with tiny nerves endings and given information about the things with which our body comes in the contact. The nerves carry the message to the brain, and finally the brain tells us if the object is safe to touch. किसी भी चीज़ को सिर्फ छूने बस से हम जान लेते हैं कि कोई चीज़ मुलायम है या रूखी सूखी है। तो इसलिए जो छूने का एहसास होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जो सेंस ऑर्गन्स हमको छूने का एहसास कराता है वो होता है हमारी स्किन, हमारी त्वचा। तो हमारी जो स्किन होती है वो ऑल ओवर बॉडी में होती है, और जो हमारी स्किन होती है वो हमको बाहरी खतरों से बचाती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और जो स्किन के अलावा 4 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में अपनी सही जगह पे स्थित होते हैं, लेकिन जो स्किन होती है वो ऑल ओवर बॉडी में होती है। और क्या होता है, जो बॉटम लेयर होती है हमारी स्किन की, जो नीचे की परत होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे नर्व सेंडिंग्स होते हैं, और वो स्किन जो बॉटम लेयर होती है वो नर्व सेंडिंग से भरी हुई रहती है। और वो नर्व्स क्या करते हैं? हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी किसी चीज़ के कांटेक्ट में आती है, फिर हम किसी चीज़ को छूते हैं या टच करते हैं, तो जो नर्व्स होते हैं वो ब्रेन में मैसेज पहुंचाते हैं, और हमारा ब्रेन हमको बताता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए सेफ है या नहीं है। स्किन क्रॉस सेक्शन, ये देखिए आपकी बुक में स्किन क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बना हुआ है। इसको आप लोगों को कॉपी में बनाना है, और इसके जो नेम्स हैं वो आपको फिल करना है और इनको लर्न करना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। यहाँ पे ये स्किन का सरफेस है, ठीक है, ये स्किन का सरफेस है, ये पोर्स हैं, छोटे छोटे आपको ये पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से क्या होता है? पसीना निकलता है। और क्या है बेटा? ये स्किन का सरफेस है, ये पूरी स्किन का सरफेस है हमारी, ये स्वेट पोर्स है, यहाँ से पसीना निकलता है। स्वेट मीन्स क्या होता है? पसीना। और ये स्वेट ग्लैंड्स है, यहाँ से ये जो स्वेट ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये ग्रंथि होती है, यहाँ से पसीना बनता है, ठीक है। और क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये देखिए कनेक्टिव टिश्यूज, ओके। और ये क्या है? मैनिश्योर्स टिश्यूज हैं, ये मैनिश्योर टिश्यूज, मैट्रेस है। और क्या है? सब्सटेंस ग्लैंड्स है, ये ग्रंथियाँ होती हैं, वेंस होते हैं, वेन्यूस मतलब नसें होती हैं, आर्टीरोज, ये देखिए आर्टीरोज का पिक्चर है ये यहाँ पे। और ये क्या है? पिलो एरेटिक मसल्स हैं। और ये क्या है? हेयर सॉफ्ट है, जो हमारे छोटे छोटे हमारी बॉडी में
बाल होते हैं अपने देख। आगे पढ़ते हैं, डिड यू नो सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स आर मोर सेंसिटिव देन द अदर बिकॉज दे हैव मोर नर्व्स एंडिंग। द साइड्स ऑफ आवर टंग हैव अ नंबर ऑफ नर्व एंडिंग्स दैट आर वेरी सेंसिटिव टू पेन। आपको पता है कि आपकी बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मीन्स बहुत ही कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे नर्व्स एंडिंग्स होते हैं। जो हमारी टंग होती है उसके साइड में आप देखना कि बहुत सारे आपको नर्व्स एंडिंग देखने को मिलेंगे, क्यों, और वो बहुत ही पेन भी देते हैं। जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते क्या होता है, हमारी जीभ दांतों के बीच में आ जाती है, तो हम उसको काट लेते हैं तो हमको पेन होता है ना, तो वो नर्व्स एंडिंग्स की वजह से होता है। जो हमारी टंग होती है बहुत सेंसिटिव होती है, और जो हमारी फिंगर टिप्स होते हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जो लोग, जो बच्चे अंधे रहते हैं, अंधे लोग उनका यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई को करने में, ब्रेल लिपि को पढ़ते हैं वो अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से। डू यू नो विच आर मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ योर हैंड, लिप्स, फेस, नेक, टंग, फिंगर टिप्स एंड फीट। क्या आप जानते हो कि हमारी बॉडी का मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है कौन सा होता है? हमारे हाथों में, हमारी लिप्स में, ठीक है, हमारा फेस, हमारी गर्दन, हमारी टंग, हमारे फिंगर टिप्स और फीट। द लीस्ट सेंसिटिव एरिया इज द मिडल ऑफ योर बैक। और जो सबसे कम सेंसिटिव एरिया होता है वो होता है हमारी बैक के मिडल में, मतलब जो हमारी पीठ होती है उसके मिडल का जो एरिया होता है वो थोड़ा सबसे कम सेंसिटिव होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट थिंग्स फील डिफरेंट टू टच, मतलब अलग अलग चीज़ों को हमको छूने से अलग अलग एहसास होता है। डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट फील टू इट, सम थिंग्स फील स्मूथ, सम थिंग फील रफ, सम थिंग फील वेट एंड सम थिंग फील ड्राई। जैसे कि हम कुछ चीज़ों को छूते हैं तो वो स्मूथ होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं, कुछ चीज़ें रफ होती हैं, कुछ चीज़ें गीली होती हैं, तो कुछ चीज़ें सूखी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को छूने से हमको अलग अलग एहसास होता है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन के आंसर आप दीजिए। डू यू लाइक इट व्हेन यू मदर गिव अ हग और पैट यू? हाउ डू यू फील व्हेन समवन स्लैप यू? आपको कैसा लगता है जब आपकी मम्मी आपको हग करती हैं, आपकी मम्मी आपको गले से लगाती हैं, तो आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील व्हेन समवन स्लैप्ड यू? और आपको कैसा फील होता है जब आपको कोई मारता है, स्लैप्ड करता है? डू यू फील अनकम्फर्टेबल और अनईजी व्हेन समवन पीपल टच यू? आपको अनकम्फर्टेबल या अनईजी कब फील होता है? जब कोई नया व्यक्ति आपको टच करता है तो आपको कैसा फील होता है, ठीक है। अगर आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है तो आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से पूछना है, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल क्या होता है? जो हमारी सूंघने की शक्ति होती है उससे हम क्या करते हैं, वी गेट टू नो मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑफ स्मेल। विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑफ स्मेल वी कैन स्मेल अ डेड रैट इन अ रूम बिफोर वी एक्चुअली सी इट। सिमिलरली वी गेट टू नो व्हाट इट बीइंग कुक्ड विद द सेंस ऑफ स्मेल एंड दिस मेक अस हंग्री। तो हमें अपनी जो सूंघने की शक्ति होती है उससे कई चीज़ों को पता चलता है। जैसे कि हम अपने सेंस ऑफ स्मेल की मदद से एक मरे हुए चूहे की स्मेल को सूंघ सकते हैं, जबकि हमने उसको देखा भी नहीं है कि वो रूम में कहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन उसकी स्मेल से हमको पता चल जाता है कि रूम में चूहा मरा हुआ है। इसी तरह जब हमको भूख लगती है तो खाने की खुशबू से हमको पता चल जाता है कि आज हमारे घर में क्या बन रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़ें, एक्चुअली व्हाट वी स्मेल आर टिनी थिंग्स कॉल्ड एडोर और स्मेल पार्टिकल्स। अवर सेंस ऑफ स्मेल सेंड सिग्नल टू द ब्रेन एंड द ब्रेन टेल्स अस वेदर द स्मेल इज गुड और बैड। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी चीज़ को सूंघते हैं तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण, हमारी नाक में जाते हैं, तो हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो हमारी ब्रेन में सिग्नल पहुंचाता है। तो हमारा ब्रेन हमको बताता है कि वो स्मेल अच्छी है या बुरी है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, एज वी ब्रीद इन द ऑडोर पार्टिकल्स एंटर थ्रू अवर नोस्ट्रिल दे ट्रेवल अप नोज वेयर स्पेशल स्मेलिंग नर्व्स सेल्स आर लोकेटेड।
Our sense of smell is also a matter of personal choice. ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो स्मेल पार्टिकल होते हैं, अच्छी या बुरी चीज़ों के, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं पार्टिकल्स, तो वो हमारी नोस्ट्रिल में एंटर होते हैं, ठीक है, और वो ट्रैवल करते रहते हैं। कहाँ पे ट्रैवल करते हैं? जहाँ वहाँ पर जहाँ पे स्मेलिंग नर्व्स होते हैं, ठीक है। अवर सेंस ऑफ स्मेल इज ऑल्सो मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, और कौन सी चीज़ की स्मेल हमको अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो हमारी पर्सनल चॉइस होती है। जैसे कि किसी को शराब की स्मेल पसंद होती है, जो लोग शराब पीते हैं, लेकिन हमको शराब की स्मेल पसंद नहीं होती है, वो हमको एलर्जी, हमारे शरीर में उससे एलर्जी हो सकती है। सम ऑफ अस एलर्जेटिक टू सर्टेन स्मेल्स, कुछ चीज़ों से हमारी बॉडी को एलर्जी हो सकती है, जो चीज़ें जिस चीज़ों की स्मेल हमको पसंद नहीं होती है। मोस्ट ऑफ अस फाइंड द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, फ्लावर्स एंड स्कैंडेड क्लीनर्स आर वेरी प्लेसेंट, और कुछ चीज़ों की जैसे कि परफ्यूम्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्कैंडेड क्लीनर्स मतलब जो कांच साफ करने की चीज़ें होती हैं, वो हमको पसंद हो सकती हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इनकी खुशबू पसंद होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट लियबल प्यूपल, अवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्यूपल विद डिफरेंट एबिलिटी, सम आर गुड एट सिंगिंग, सम आर गुड एट ड्राइंग एंड पेंटिंग ब्यूटिफुल पिक्चर, सम आर ग्रेट राइटर इन द सेम वे, सम पीपल आर बॉर्न विद गुड सेंस ऑफ टच एंड स्मेल बट अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट सी और कैन नॉट वेल और कैन नॉट हेयर वेल। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यूज देयर एक्यूट सेंस ऑफ टच, रीड एंड राइट, दे यूज अ स्पेशल सिस्टम नोज एज द ब्रेल। डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर जस्ट लाइक अस, वी मस्ट बी सेंसिटिव टू देयर नीड्स एंड फीलिंग्स। तो हमारा जो वर्ल्ड है वो डिफरेंटली एबिलिटीज जो वाले पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनसे भरा हुआ है। सम कुछ लोग गाने में अच्छे होते हैं, ठीक है, अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं, तो कुछ लोग ड्राइंग कर लेते हैं, तो कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग अच्छी बना लेते हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं वो, और कुछ लोग अच्छे राइटर होते हैं। मतलब इन लोगों में कुछ ना कुछ अच्छा हुनर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ इनके जो बॉडी होती है उनमें कमी होती है, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं, अच्छे सेंस ऑफ टच के साथ पैदा होते हैं, अच्छा सेंस ऑफ स्मेल के साथ पैदा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, दुर्भाग्यता से उनके पास उनकी बॉडी में कमी रहती है। मतलब जो कुछ देख नहीं सकते हैं तो कोई सुन नहीं सकते हैं, तो किसी न किसी कुछ न कुछ कमी रहती है उनके शरीर में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने सेंस ऑफ टच की हेल्प से वो लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो उनके पास एक स्पेशल सिस्टम होता है ब्रेल, ब्रेल लिपि के द्वारा ये लोग पढ़ते लिखते हैं। ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो उभरे हुए रहते हैं, तो ये अपनी फिंगर टिप्स की मदद से उन पर पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो बहुत वर्क करते हैं और कुछ ना कुछ अपना हुनर दिखाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे हमारे मन में फीलिंग्स रहना चाहिए और हमको हमेशा उनकी हेल्प करना चाहिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। ओके बच्चों, बाय।